यस्य स्वयं स्वभावोक्ति रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै सज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। बड़ी आचार्य पूज्य पाद स्वामी महाराज की, बड़ी आचार्य गुरुदेव श्री ब्राग सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। यहाँ पर आचार्य पूज्य पाद स्वामी महाराज हमें इष्ट उपदेश के माध्यम से हमारी आत्मा पर लगे हुए जो कर्म कालिमा है उससे साफ करने की विधि यहाँ पर रोज रोज हमें बतला रहे हैं कि किन कारणों से हम संसार में भटकते हैं और किन कारणों से हमारा संसार बढ़ता जाता है और किन कारणों से हमें खोटी गतियों में जाना पड़ता है, चाहे वो नरक हो चाहे त्रियंच गति हो। तो उन सब से बतला रहे हैं वो कि भाई आप देखो, आपकी इच्छा है कि यदि मैं तो बतला रहा हूँ कि ऐसे कार्य करने से यहाँ जाते हैं, ऐसे कार्य करने से यहाँ जाते हैं, अगर आपकी इच्छा वहाँ नहीं जाने की है तो आपको पर ये सुधार करना है ना। कहते भाई शक्कर ज़्यादा खाओ शुगर बढ़ जाएगी, शुगर बढ़ जाएगी तो देख लो, अब अगर शुगर बढ़ गई फिर भी शक्कर खा रहे हो तो फिर शरीर बेकार हो जाएगा पूरा, कब घूटे खराब हो जाएं, कब हाथ पैर खराब हो जाएं, है ना। अब देख लो शौक सामने रसगुल्ले रखे हैं, अब रसगुल्ले का मोह छोड़ दो तो स्वस्थ ठीक है, और रसगुल्ले का मोह नहीं छोड़ पाए तो खा लो, पर दो रसगुल्ले चार रसगुल्ले जरूर खाओगे पर शरीर परेशान कर देगा, है ना। तो बोले कि ये ऑप्शन है देख लो, बाकी पर तुम्हारी इच्छा है, आपको जो अच्छा लगे वो करो, है ना। ये तो यहाँ पर अब आचार्य भगवान शिष्य पर पूछता है, शिष्य ने पूछा कि हे भगवान, सभी संसारी प्राणी तो विपत्ति वाले नहीं है। भाई ऐसा तो है नहीं कि आप कहो कि सभी जीवों के पास विपत्ति चल रही हो, संसार में रहने वाले इतने लोग हैं हर कोई दुखी तो नहीं है, कोई व्यक्ति तो ऐसे ही कर रहा है, फर्स्ट क्लास हवेली है, फर्स्ट क्लास गाड़ी है, सारे ऐसो आराम की जिंदगी है, तो वो तो दुखी नहीं है, है ना। कुछ कुछ दुखी हैं, कुछ सुखी में भी हैं, है ना। तो बहुत से संपत्ति वाले भी दिखने में आते हैं, किसी के पास पैसा बिल्कुल नहीं है, किसी के पास बहुत संपत्ति है, है ना। तो इस विषय में आचार्य आपका क्या कहना है बताओ। तो यहाँ आचार्य हमें बतला रहे हैं कि दुर्जेन सुरक्षेण नस्बरेण धना दिना स्वास्थ्य मन्यो जना कोपी जरबानिव सर्पिसा। कि दुर्जेना सुरक्षेण नस वरेण धनाधिना स्वास्थ्य मन्यो जना कोपी जरबानिव सर्पिसा। अब यहाँ आचार्य बतला रहे हैं कि बड़ी 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 कठिनाइयों से कमाया जाने वाला धन, जो पैसा है, पैसा कैसे कमाया जाता है, तो आसानी से नहीं कमाया जाता। कितने बच्चे नौकरी करते हैं तो अपन देखें उनका पैकेज अच्छा है, जॉब जो करते हैं उन्हें पैसे तो खूब मिलते हैं, मगर पैसा जो है कोई भी कंपनी फ्री के नहीं देती, फ्री का पैसा नहीं देती है कंपनी कोई भी, अगर पैसा देती है तो पूर्ण रूप में निचोड़ लेती है, है ना। ये वाला भी काम करो, ये वाली भी काम करो, ये वाली भी काम करो, भैया घर का टाइम हो गया हमारा जाने का, जो वाला काम करके जाओ फिर चले जाना, है ना, ये भी करके जाओ। और कभी कभी तो बेचारा वहाँ से छुट्टी होती है घर पहुँचता है
और वहाँ फोन आ जाता है, लैपटॉप चालू करो, अब ये वाला काम निपटा दो जल्दी, फटाफट अभी निपटाना है ना, करना पड़ता है कंपनी काम। थोड़ी कंपनी कोई भी अगर आपको पैसा देती है तो वो आसानी से ऐसा नहीं देती कि तुम पैसे लो तुम तो सो आराम से खाओ पियो मस्त रहो, ऐसे नहीं है। पहले की कंपनियों में क्या होता था, आज से कुछ सालों पहले, कोई बच्चे जो बच्चे बच्चे हैं लड़के हैं लड़कियां हैं जॉब करते थे तो यदि थक जाते थे तो सोचते थे चलो एक काम करो पानी के बहाने चलो, पानी पी के आएंगे तो उतनी देर कम से कम रेस्ट मिल जाएगा 5 मिनट का, वहाँ तक जाएंगे पानी पी के आएंगे। अब कंपनी ने देखा क्या ये लोग 5-10 मिनट इसमें भी खराब कर देते हैं, तो अब उन्होंने क्या कह दिया, पानी की प्यास भी लगे तो आपको उठ के नहीं जाना है, पानी भी आपकी सीट पर आ जाएगा यहीं पानी पी लो। तो कंपनी बहुत ध्यान रखती है, उसका एक एक पैसा आप फिजूल में नहीं खर्च नहीं कर सकते है ना, पूरा निचोड़ लेती है, थम्स अलग लगवाएगी 8 बजे आपकी एंट्री हुई कि नहीं हुई, अगर आपकी थोड़ा भी लेट हो गए और थम्स नहीं लगा तो पैसे कट जाएंगे और नौकरी खतरे में है। तो सोचो लौकिकता में जो पैसा कमा रहे हो, अगर किसी का घर, किसी को गुड़गांव जाना है, किसी को नोएडा जाना है जॉब करने के लिए और दिल्ली में रहते हैं या गाजियाबाद में रहते हैं, तो मैं देखता था क्योंकि हम लोग 12 साल वहाँ रहे दिल्ली में, तो जो बेचारे लड़के लड़कियाँ थे, अब काय का मंदिर काय के महाराज बेचारे 6 बजे उठ कर के नींद में से उठे और गाड़ी में बैठे बेचारे जा रहे हैं ना। अब वो कई बार बच्चे बेचारे छुट्टी के दिन मिल गए कभी मान लो, तो मैंने कहा क्यों भाई तुम लोग यार बताओ आते क्यों नहीं हो, बोले महाराज जी क्या करें कैसे आए। अब ये समझ लो सुबह 6 बजे जाते हैं, 6 बजे कौन सा ऑफिस खुल जाता है भाई तुम्हारा, 6 बजे तुम्हारा कौन सा ऑफिस खुल जाता है, ऐसा कैसा पैसा कमा रहे हो कि 6 बजे ऑफिस जा रहे हो। बोले महाराज जी ऑफिस तो 8 बजे खुलता है मगर हमें गाजियाबाद से गुड़गांव पहुंचना है और गुड़गांव पहुंचना है तो कम से कम नहीं तो 1.5-2 घंटे लगेंगे क्योंकि जाम मिलता है रास्ते में, क्योंकि सुबह टाइम मारामारी होती है, भागते हैं लोग, और कंपनी को इससे कोई मतलब नहीं है कि जाम मिला, कंपनी बहाना नहीं सुनती आपका, भले सही में जाम मिला हो, वो कहते हैं जाम मिल सकता है मिलेगा, आप अपने टाइम का ध्यान रखते हुए जल्दी निकलो घर से, हम आपको पैसा दे रहे हैं फ्री का पैसा नहीं दे रहे हैं, हमें आपसे मतलब नहीं है चाहे सो चाहे नहीं सो, चाहे 3 बजे निकलो रात को, चाहे 4 बजे निकलो, चाहे 5 बजे निकलो, हमें तो 8 बजे यहाँ चाहिए, इसका पैसा दे रहे हैं हम आपको। कंपनी ऐसे पैसे देती है ना। तो वही बात यहाँ आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि सोचो लो भैया, ना मम्मी दिखती है ना पापा, कई बहन भाई तो सोते रहते बेचारे, बच्चे निकल जाते हैं नौकरी के लिए है ना। तो यहाँ अब खुश होकर बताओ हमारा बेटा का इतना पैकेज है, हमारी बेटी का इतना पैकेज है, अरे पैकेज खाओगे क्या ना, तुम तो घर में हो आराम से, उस बेटी से पूछो बेचारी उसकी पूरी जिंदगी कैसे हो रही है, नौकरी के चक्कर में निचोड़ रही है बेचारी है ना ये। तो यहाँ आचार्य कि दुर्जने ने बड़ी कठिनाइयों से कमाया जाने वाला और कैसा है, सुरक्षित नहीं है। आप सैलरी लेके आ रहे हो, कितने चोर उचक्के लुटेरे जिन्हें मालूम है कि आज तनख्वाह बटने वाली है, कई लोग जेब में रख के जाएंगे लेके जाएंगे है ना, आज बैंक से निकालेंगे सैलरी, तो कितने लुटेरे बैंक के बाहर तैयार खड़े रहते हैं घात लगा करके, और उन्हें मालूम चल जाए तो एक तो तुमने कितनी मेहनत की 1-1.5 महीने और ऊपर से फिर निकाला बैंक से और बाहर गाड़ी में रखा डिक्की में है ना, और डिक्की लेके चल पड़े, वो पीछे भी चल पड़े, हल्की सी चूक हुई कहीं पानी पीने रुक गए, कहीं चाय के लिए रुक गए, कहीं कोई सामान लेने रुक गए, इतनी देर में बैग गायब। क्या हुआ, 30 दिन पूरे बेकार हो गए मेहनत के और पैसे भी चले गए हैं। और यदि मान लो वो निकाल रहा हो, तुम पहुंच जाओ उसके पास, तो झूमा झटकी भी होगी है ना, हो सकता है वो मारने के लिए तैयार हो जाए, को चाकू मार दे, को गोली मार दे, तो जान भी चली गई। तो धन कैसा है, तो आचार्य उस धन की स्थिति बता रहे हैं कि
बड़ी कठिनाइयों से कमाया जाने वाला और असुरक्षित सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं रहने वाला नस्बरेणे कैसा है? बिनस्बर है, बिनस्बर है, जिंदगी भर हमारे साथ नहीं रहेगा। जो पैसा कितना भी कमा लो, क्या सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहेगा? नहीं रहेगा ना। धनाधिना, ऐसा धन और ऐसे पुत्र, ऐसा परिवार आदि के द्वारा अपने आप को स्वस्थ सुखी मानने वाला का अपीजना, कोई भी मनुष्य घी को खा करके ज्वर से पीड़ित मनुष्य की तरह मूर्ख होता है ना। क्या बोल दिए कि बड़ी कठिनाइयों से कमाए जाने वाले, सुरक्षित नहीं रहने वाले, विनस्वर है, धनाधिना धन धन पुत्र आदि के द्वारा अपने आप को सुखी मानने वाला कोई भी मनुष्य घी को खा करके ज्वरवान इव ज्वर से पीड़ित मनुष्य की तरह मूर्ख होता है, मूर्ख है। अब यहां बात को आचार्य भगवान बतला रहे हैं कि जिस तरह ज्वर से पीड़ित, ज्वर यानी बुखार, कोई व्यक्ति बुखार से पीड़ित है तो वह बुखार से पीड़ित मनुष्य अपनी दाह को मिटाने के लिए घी खाता है, है ना। यदि अपने को स्वस्थ माने तो ये भ्रम है कि घी खा के अगर अपने आप को स्वस्थ मान रहा है तो आचार्य भगवान बोल रहे हैं कि ये उसकी भ्रांति है, क्योंकि वास्तव में वह स्वस्थ नहीं है और ना ही घी को खाने से स्वस्थ हो सकता है, अपितु उल्टा दुखी ही होता जाता है, है ना। उसी प्रकार अज्ञान, क्योंकि जब बीमार है और घी खाएगा तो कब बनेगा, है ना, खांसी आएगी, जुखाम हो जाएगा, तो बोले कि ये चीज़ छोड़ देना चाहिए इसको अगर जल्दी ठीक होना है तो। उसी प्रकार से अज्ञानी मनुष्य भी धन आदि इष्ट वस्तुओं के मिलने से अपने को सुखी मानता है। कोई पुत्र की उत्पत्ति हो गई तो सुखी मान रहा है, कोई धन की उत्पत्ति हो गई तो सुखी मान रहा है, किसी के गाड़ी आ गई तो सुखी मान रहा है, किसी का मकान बन गया तो वो अपने आप को सुखी मान रहा है, है ना, तो इन सब सुखी मानता है। पर वास्तव में वह सुखी नहीं कहा जा सकता, उसको सुखी नहीं कहेंगे, क्योंकि धन के उपार्जन में तो बहुत कष्ट होता है। गाड़ी आ जरूर गई पर उसकी किस्तें तो देना पड़ेगी, है, गाड़ी का आने का एक जिस दिन आई उस दिन उसका सुख है, बाकी तो वो हर महीने रुलाती है ना, उससे अधिक कष्ट उसके संरक्षण में होता है। एक आचार्य महाराज ने बहुत सुंदर बात कही धन के बारे में, क्या कहा कि अर्थस्योर पार्जितम दुखम, अर्थस्योर योर पार्जितम दुखम अर्थस्योर चा रक्षणे, आए दुख जाए दुख धिक किम अर्थ प्रयोजनम। आचार्य महाराज बोल रहे हैं धिक्कार है ऐसे पैसे को, जो पैसा आता है तो कष्ट देता है, जाता है तो कष्ट देता है, तो ऐसे अर्थ से और इसको रक्ष आ जाए तो उसके रखना रखने में दुख है, कैसे रखें इसको, है ना। जिसे हम देखते हैं कितने नेता धन को, काला धन कहो चाहे कोई सा धन, तो धन है तो उस धन को यहाँ ले तो लेते हैं, अब उनको डर रहता है कि पकड़े ना जाएं, तो उस धन को स्विट्जरलैंड ले जा करके वहाँ, है ना, क्या करते हैं, स्विस बैंक में रख देते हैं, है ना। अब वो बैंक वहाँ रखा है पैसा, यहाँ रहते हो तो क्या उस पैसे से पानी पूरी पी पा रहे हो, या उस पैसे से आप बच्चों को कपड़े ला पा रहे हो, उनका उस पैसे से, वो तो वहाँ जमा है तो जमा हो गया एक बार बस, वो तो आपने सिर्फ 7 पुरखों के लिए जमा कर दिया, निकाल तो पा ही नहीं रहे हो, और पता चला बाद में किसी ना किसी कारण से मृत्यु हो गई
तो पूरा अब उसका तो पासवर्ड रहता है, पासवर्ड अपना लिखो अपने पास, तो निकाल लो जा करके, निकाल लाओ, और कोई लिखा पढ़ी होती नहीं है। तो लो मरने मरते ही सारा पैसा चला गया है। तो बोले कि बताया ऐसा पैसा किस काम का, कि अर्थस्य उपार्जन दुखम। अब पैसा कमाने के लिए रिश्वत ली, कलेक्टर ने ले ली तो कलेक्टर बदनाम है, नेता ने ली तो नेता बदनाम। अब लालू प्रसाद यादव कहाँ तो एक और मुख्यमंत्री है बिहार के, कितना शासन चलाया, राज चलाया, पूरे देश में पहचान बनाई, लालू 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 है। और गाय भैंसों का चारा खुद खा गए हैं, जब खा गए किसी को पता नहीं चला, पर कब तक छुप के रहेगा, पता चल गया, पर्दाफाश हुआ है ना, पता चला भी चारा खाया है, उसके चक्कर में जेल, अभी तक जेल में ही है। अरे यार भाई क्या हो जाए यार,
आठ दिन रुक जाया, दस दिन रुक जाया, एक महीने रुक जाया, अरे बाबा घूमने से क्या फायदा है, जब तक देना है ही तो अब बीस दिन एक महीना का तो रखी जब पैसे वो डबल हो जाएगा, उससे तुम्हारी जमान खराब होगी और है ना डबल तो खराब होगी, तो देगा नहीं व्यक्ति, क्यों? क्योंकि देने में पैसे को अंदर से कष्ट होता है, तो पैसे की गति यही है, पैसा क्या करता है कि आए तो जाए तो आचार्य महाराज बोल रहे हैं ऐसे पैसे को भैया धिक्कार है, हमें नहीं चाहिए ऐसा पैसा ना, तुम बताओ कष्ट ही कष्ट है इसमें, तो ये बोल दिया। तो यहाँ पर आचार्य महाराज यही कह रहे हैं कि भैया ऐसे पैसे से क्या का लाभ जो हमें दुख ही दुख दे, कि पैसे के चक्कर में जान चली जाए, तो वो बात यहाँ पर आचार्य महाराज बोल रहे हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि उससे अधिकतर संरक्षण होता है, अब यहाँ आप लोगों की बात कही जा रही है कि आप लोग स्वयं अनुभूत है इस बात से कि धन के अर्जन करने में कितनी कठिनाइयों का पालन करना पड़ता है, सुख सुविधाओं से धन का अर्जन नहीं होता है, व्यक्ति घर में भले ही एसी में सो जाता है, व्यक्ति भले ही घर में कोठी में बैठता है, पर धन कमाने के लिए दूर में जाना पड़ रहा है, वहां दूर में कैसे खाना की व्यवस्था हो रही है, धन की हो रही कि नहीं हो रही, ढंग से सोने की व्यवस्था हो रही कि नहीं हो रही, है ना, ऐसी स्थितियों से गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पर आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि रात दिन पसीना पसीना बहा करके एक एक पाई इकट्ठा करके धन कमाते हैं, इसका स्मरण तो किया करो, क्योंकि जो मन जो धन अर्जित करता है उसी को ये ज्ञान रहता है कितनी कठिनाइयों से पैसा आता है, इसलिए अगर पिताजी ने पैसा कमाया है और बेटा अगर थोड़ा सा भी पैसा खर्च करता है फालतू तो पिताजी का मन दुखी हो जाता है, और यही कहते हैं बेटा तुम्हें हरा हरा सूझ रहा है, तुमने कमाया होता तुम्हें पता चलता है ना, तो यहां पर थोड़ा भी धन आ गया तो आपको उसकी सुरक्षा करना है ना, ताला लगाओ, ट्रेजरी में रखो इत्यादि, इन साधनों से धन की सुरक्षा भी फिर भी संभव है, लेकिन धर्म की सुरक्षा ताला लगाने से नहीं होगी, धन को पेटी में कितना भी सुरक्षित रखो धन तो नष्ट होता ही है, क्योंकि जब भाग पलट जाता है तो धन ऐसे निकल जाता है कि पता नहीं चलता कैसे निकल जाता है, मालूम है कैसे निकल जाता है, पाप कर्म के उदय आने पर धन कैसे चला जाता है, बोले जैसे हाथी अपने आप एमपी में रहते हैं लोग, तो एक फल आता है उसकी चटनी बनती है, है ना, कबीर बोले कबीर कहता है ना, कहता खाया ना कभी ना उन्होंने कबीर कबीर, तो कहता वह देखेंगे कैद, एक एक कैद जब हम तोड़ के लाते हैं बाजार से लाते हैं तो कम से कम आधा आधा किलो का सावत बाहर निकल आता है,
बहिष्कार हो जाता है। जब खाया था 700 ग्राम का था, जब बाहर निकाला तो 10 ग्राम का था, उसका जो अंदर का गूदा था सब गायब। बोले हाथी की जठराग्नि इतनी मजबूत होती है कि कैसे को बिना घोड़े ही वो जठराग्नि से के बल से पूरा गूदा खींच लेता है। अब आप चमका रहे कि नहीं, कहता छेद हुआ ना, टूटा ना फूटा और पूरा माल गायब। बोले ऐसे ही पाप कर्म की जठराग्नि बहुत मजबूत है, अगर आपने तिजोरी में पैसा छुपा के रखा है तो उस कहते की तरह गायब हो जाता है, कहते की तरह गायब हो जाता है। इसलिए महान भाव हो आचार्य ने कहा उसे क्षणिक धन से, जिसे क्षणिक सुख है उस धन से इतना राग मत करो, इतना मोह मत करो कि तुम्हें अपने भी नजर ना आए। आज इसी क्या हो गई, बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, पैसे के चक्कर में बहन दिखती है, पैसे के चक्कर में पिताजी दिखते हैं, पैसे के चक्कर में कोई मान दिखती है तो भाई बहन नहीं दिखे, और पैसे आने पर हम किसी को खुशी बोल देते हैं, पैसा आने पर हम किसी की अवहेला कर देते हैं, अनादर कर देते हैं, है ना। इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए, तब जाके हमारी आत्मा कल्याण हो सकता है, और इस बाकी तो चली जाएगा। ना इस बहाना ध्यान रखें, उसी भावना का बोला।